कुख्यात गैंगस्टर के लिए रंगदारी मांगे जाने का मामला सामने आया है। गैंगस्टर जेल में बंद होने के बाद भी अवैध वसूली का कारोबार चला रहा है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। खबर हरिद्वार से है, जहां बदमाश सुनील राठी का हवाला देकर लाखों रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। सागर नाम के व्यक्ति ने 31 मार्च को अभिषेक भारद्वाज को फोन करके बदमाश कलीम समेत 5 आरोपियों की कोर्ट में पेशी के लिए खर्चे के लिए रंगदारी मांगी थी, जिसके बाद पीड़ित ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी शिकायत सिडकुल थाने में की। वहीं पुलिस ने टीम गठित करके इस मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही SP स्वतंत्र कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि सुनील राठी के नाम से ये रंगदारी मांगी गई है और जिस नंबर से धमकी भरा फोन आया था उसको ट्रेस किया जा रहा है। कल ही ये प्रकरण प्रकाश में आया, उसमें तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसमें विवेचना की जा रही है। जो हमारे विक्टिम है वो एक वकील हैं, उन्होंने एक तहरीर दी थी कि उनसे किसी ने फ़ोन पे रंगदारी की डिमांड की और इसमें राठी का नाम आ रहा है सामने, लेकिन जो जांच में प्रथम दृष्टया आया वो नाम तो लिया गया लेकिन कोई अन्य है। उस पर हमारी टीम का गठन किया जा चुका है और इसमें जल्दी ही चीजों का खुलासा होगा कि एक्चुअल में वो किसके द्वारा डिमांड की गई थी और क्या डिमांड की गई थी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।